इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। अफगान राष्ट्रपति ने पाक से राजदूत को वापस बुलाया, पाकिस्तान से अफगान राजनयिकों को भी वापस बुलाया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा, अफगान राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस्लामाबाद में कल अफगान राजदूत की बेटी को अगवा कर लिया गया था और उसके साथ बहुत क्रूरता की गई। कस्वर मेरे साथ है। कस्वर, इस खबर का इंपैक्ट हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो राजनयिक संबंध तोड़े गए हैं, इसका इंपैक्ट जो अभी तालिबान के ऊपर कार्रवाई चल रही है उस पर क्या होगा? निशान, मेरा ख्याल है कि इसका जो इंपैक्ट है ये रिवर्स होगा। अब पाकिस्तान को आप भले जितने भी इल्जाम दे दें, लेकिन ये जो संबंध टूटे हैं, अभी पाकिस्तान ने इसको कंफर्म नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन ये जो टूटे हैं इसका ज्यादातर जो मेरा ख्याल है नुकसान होगा वो काबुल को होगा। उसकी वजह यह कि काबुल बैंक कर रहा है इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और अगर ये तोड़ते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक टू साइड गेम चलेगी। काबुल हमेशा एक्यूज करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान इस हवाले से थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी था, लेकिन अब ये संबंध टूटते हैं। मेरी अपनी जो राय है वो काबुल को ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इस वक्त कंट्रोल नहीं है, लेकिन रास्ते तो हैं। मेरा ख्याल है कि काबुल को इस वक्त इस्लामाबाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। वाकयात होते हैं इसमें कोई नहीं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोकूंगा आपको यहां पर, यह बड़ी खबर है और इस खबर का अगर इंपैक्ट की बात की जाए तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो कैसे रिएक्ट करेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।